नमस्कार, मैं प्रवीण वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल वेतन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2023 का आपका एग्ज़ाम जो है वो ओवर हो चुका है। टोटल 39 शिफ्ट्स में आपका एग्ज़ाम हुआ है, तो 39 शिफ्ट्स के बेसिस पे ओवरऑल जो एग्ज़ाम आपका हुआ है उसका यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इजी शिफ्ट्स कौन सी रहीं, यानी कि टॉप 5 जो इजी शिफ्ट्स हैं वो कौन सी रहीं, मॉडरेट शिफ्ट कौन सी रहीं, हार्ड शिफ्ट कौन सी रहीं। उसके अलावा स्कोर क्या है, जो मतलब सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट है उसका क्या स्कोर, अभी जो आपका मतलब जो आपने डाटा दिया उसके बेसिस पे क्या बनना है। उसके अलावा जो आपकी हार्ड शिफ्ट है उसका स्कोर क्या बनना है, नॉमिनेशन में कितना क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितने आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं। इसके अलावा जो टोटल आपका 39 शिफ्ट्स में आपका एग्ज़ाम हुआ है उसका एवरेज जो स्कोर है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, तो इन सारे पॉइंट पे यहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते। अगर हम हार्ड शिफ्ट की बात करें तो टॉप 5 जो हार्ड शिफ्ट है वो आपकी ये रही है। कौन कौन सी, 26 जुलाई की शिफ्ट 1, ये सबसे हार्ड रही है। जो टोटल आपका 39 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है उसमें सबसे जो हार्ड शिफ्ट है वो आपकी 26 जुलाई की शिफ्ट 1 रही है, जिसमें आपका जो स्कोर है वो 126.90 बन रहा है। ठीक है, उसके अलावा 18 जुलाई की शिफ्ट 3, इसके बाद इसका नंबर आता है। उसके अलावा 24 जुलाई की शिफ्ट आपकी 4, ये भी हार्ड शिफ्ट रही है। उसके अलावा 19 जुलाई की शिफ्ट 4, ये भी आपकी हार्ड शिफ्ट रही है। उसके अलावा 25 जुलाई की शिफ्ट 4, ये भी आपकी हार्ड रही है। तो ये टॉप 5 आपकी हार्ड शिफ्ट है। जो मैक्सिमम जो हार्ड शिफ्ट है वो आपकी कौन सी है, 26 जुलाई की शिफ्ट 1, जिसमें आपका स्कोर जो है वो कितना बनना है, 126.90। अगर हम इजी शिफ्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं टॉप 5 इजी शिफ्ट यहाँ पे मैंने बता रखी है। जैसे कि 26 जुलाई की शिफ्ट 3 जो है वो सबसे ज़्यादा इजी रही, यहाँ पे जो स्कोर बनना है वो कितना बनना है, 140.26। उसके अलावा 18 जुलाई की शिफ्ट 2, ये भी आपकी इजी शिफ्ट रही है। उसके अलावा 24 जुलाई की शिफ्ट 2, ये भी आपकी इजी शिफ्ट रही है। उसके अलावा 20 जुलाई की शिफ्ट 2, ये भी इजी शिफ्ट रही है। 17 जुलाई की शिफ्ट 1, ये भी आपकी इजी शिफ्ट रही है। तो ये आपकी टॉप 5 इजी शिफ्ट है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट के स्कोर के बीच में डिफरेंस देखें तो आपका जो इजी शिफ्ट है उसका स्कोर कितना बनना है, 140.26, और हार्ड शिफ्ट का जो स्कोर बनना है वो 126.90। यानी कि आप ये समझ सकते हो कि 14 से 15 नंबर का गैप अभी है। अभी चूंकि ये अभी आपने जो डाटा दिया है उसके बेसिस पे ये डाटा सामने निकल गया है, लेकिन जो क्लियर कट आइडिया हमें लगेगा वो आंसर की आने के बाद लगेगा। अभी आंसर की के आने के बाद थोड़ा बहुत जो डाटा है वो आपका चेंज होगा। बाकी नॉर्मलाइजेशन में आप ये मान के चलिए कि 15 से 20 नंबर जो है उसका डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जो शिफ्ट हार्ड है, जितनी हार्ड है उसको नॉर्मलाइजेशन का उतना फ़ायदा मिलेगा, और जो इजी शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम रहा है उनको उसका कम फायदा मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें कि ओवरऑल जो आपका एवरेज स्कोर है, जो आपका 39 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है उसका एवरेज स्कोर जो है वो कहाँ पे लाई करता है, तो 130 से 135 के बीच में आपका जो एवरेज स्कोर है वो लाई कर रहा है। अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ अभी मुझे लगता है कि बताना थोड़ा सा गलत होगा। अभी आंसर किया जाने दीजिए, जब आंसर किया जाएगी तो हमारे पास एक ऑथेंटिक डाटा होगा, उसके बेसिस पे हम बता पाएंगे कि स्टूडेंट का जो स्कोर है वो किस तरीके से लाई कर रहा है, जो एक्चुअल स्कोर है वो किस तरीके से लाई कर रहा है। ठीक है, एवरेज स्कोर आंसर के आने के बाद और ऑथेंटिक तरीके से हमें पता चलेगा, तो उसके बाद कट ऑफ कहीं ना कहीं एक अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट की जा सकती है। ठीक है, बाकी ओवरऑल जो 39 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है उसके बेसिस पे मैंने आपको बता दिया कि एवरेज जो स्कोर है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, 130 से 135 के बीच में बनना है। ठीक है, उसके अलावा जो इजी शिफ्ट रही है वो टॉप 5 जो इजी शिफ्ट हैं वो कौन कौन सी रही उसके बारे में बता दिया। उसके अलावा जो हार्ड शिफ्ट हैं वो कौन सी रही वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके अलावा जैसे ही आंसर की आएगी उसके बाद हम लोग एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिटेल में एनालिसिस कर लेंगे, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। अभी क्या है कि अभी जो लोग कट ऑफ आपको बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन गलत है। आंसर के आने के बाद हमारे पास एक ऑथेंटिक डाटा होगा, उसके बेसिस पे हम कहीं ना कहीं निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। उसके अलावा अभी मैं चैनल पे पोल भी डाल दूंगा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पोल में भी पार्टिसिपेट करिए। जितने ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज़्यादा डाटा हमारे पास कलेक्ट होगा और उसके बेसिस पे हम सही जो एनालिसिस है वो कर पाएंगे। बाकी टोटल जो 39 शिफ्ट हैं उनमें मैंने आपको बता दिया कि टॉप 5 इजी शिफ्ट कौन सी हैं, टॉप 5 हार्ड शिफ्ट कौन सी हैं, इसके बीच की आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। ठीक है, स्कोर क्या आपका बनना है हार्ड शिफ्ट का और आपका इजी शिफ्ट का, कितना क्या आपका नॉर्मलाइजेशन में इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसके अलावा ओवरऑल एवरेज स्कोर कहाँ पर लाई कर रहा है, इस सब के बारे में आपको इस वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।